प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, रेलवे एवं टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्रद्धेय संत समाज, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, आप सबके बीच अयोध्या में इस रामकथा पार्क में आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि नाम से चरितार्थ है रामकथा पार्क, हम सब लोग जानते हैं कि रामकथा के महत्व के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि रामकथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावन हारी, अर्थात राम की कथा हाथ की वो मधुर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श, उनकी कहानियाँ और उपदेश रामायण में संपूर्ण रूप से समाहित है। मेरा भी मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो रामकथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देवी और सज्जनों, ये अयोध्या नगरी प्रभु राम की जन्मभूमि और लीला भूमि तो है ही, बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना भी असंभव है। राम और अयोध्या के संबंध को संस्कृत के महाकवि भास की महान कृति प्रतिमा नाटकम में भरत के संवाद द्वारा इन शब्दों में व्यक्त किया गया है, ना अयोध्या तम विना अयोध्या सा अयोध्या यत्र राघवा, अर्थात राम के बिना अयोध्या अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहाँ राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान हैं, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम व शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता था, इसलिए इस नगरी का अयोध्या नाम सर्वथा सार्थक रहेगा। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन करके कला एवं संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान आज प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करता हूं। यह उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय संस्कृति के आदर्शों में रची बसी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का मार्गदर्शन आप सबको निरंतर प्राप्त होता रहता है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष आयोजित रामायण कॉन्क्लेव अत्यंत सफल रहा था। यह प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में किया जा रहा है। रामायण का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है कि उसमें निहित जीवन मूल्य मानवता के लिए सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। रामायण में दर्शन के साथ साथ
आचार संहिता भी उपलब्ध है, आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध है, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। संतान का माता पिता के साथ, भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी के साथ, गुरु का शिष्य के साथ, मित्र का मित्र के साथ, शासक का जनता के साथ और मानव का प्रकृति व पशु पक्षियों के साथ कैसा आचरण होना चाहिए, इन सभी आयामों पर रामायण में उपलब्ध आचार संहिता हमें सही मार्ग पर ले जाती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।